पहला रिश्ता इंसानों में जो अल्लाह ने कायम किया वो मियां और बीवी का रिश्ता है, तभी अल्लाह को तलाक ना पसंद है। अल्लाह ने जिस रिश्ते को खुद जोड़ा हो, अगर उस रिश्ते में करवाहट आती है तो हमारा काम है कि उसको मिठास में बदले। अगर उस रिश्ते को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, हमारा काम है उस रिश्ते को जोड़े। और अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो मियाँ बीवी में सुलह करा दें, और उन लोगों के लिए अल्लाह का अजाब मौजूद है जो जानबूझ के मियाँ बीवी में दुश्मनियाँ डलवाते हैं। वो दुनिया के अंदर भी जलील होंगे और आखिरत के अंदर भी जलील होंगे। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत पूरी दुनिया की मशहूर शख्सियत हैं। तो जब बरतानिया में वकालत करते थे इंग्लैंड में, तो उनका एक दोस्त उनके पास आया, तो उसने कहा कि मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। तो अल्लामा को याद आया, वो गैर मुस्लिम था, कहने लगा कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो अपनी पसंद की शादी की थी, अपनी मर्जी के साथ की थी। तो कहने लगा हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि बस इसको रखना नहीं है, तुम मेरा अदालत में मुकदमा मेरी तरफ से दायर कर दो। वकील थे अल्लामा इकबाल, बड़ा समझाया, नहीं माना, मुकदमा दायर कर दिया। जब दो चार महीने बाद फैसले की तारीख आई तो शाम को वो शख्स फिर आया अल्लामा इकबाल के पास, कहने लगा वो मुकदमा वापस ले लो, मैंने तलाक नहीं देनी अपनी बीवी को। तो फरमाने लगे ऐसी कौन सी बात हो गई कि अचानक तुम्हारे दिल में, मैं तो तुम्हारी बड़ी मिन्नत की, लड़की ने भी बहुत मिन्नत की, घर वालों ने भी, दोस्तों ने भी, तुम तो ज़िद पे अड़ गए थे। कहने लगा रात वो असल में मुसलमानों के जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस की कोई किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि मर्द को हौसले वाला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द को हौसले वाला होना चाहिए, और फरमाया अपनी बीवियों से बोग्ज़ ना रखो। लोगों को कहा अपनी बीवियों से बोग्ज़ ना रखो, इनकी अगर बहुत सारी आदतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो जब गुस्सा आए उन आदतों को याद किया करो जो तुमको अच्छी लगती हैं, ताकि तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाए। कहने लगा जब से मुसलमानों के नबी की ये बात पड़ी है कि उन आदतों को देखो जो अच्छी लगती हैं, तो कहता रात मैं फिर अपनी बीवी की अच्छी आदतें गिनता रहा। तो आज के ऐसे माहौल में जहां बदमाशी अय्याशी आम है, कहता इस माहौल में भी जहां मुझे ऐसा लगा कि ये बाज़ औक़ात मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, बदतमीजी करती है, अगर काम नहीं करती, लेकिन इस बदतरीन माहौल में भी इसने कभी मेरे अलावा किसी और के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया, इस बदतरीन माहौल में इसने मेरे घर में कभी खयानत नहीं की, कहता इसकी ये नेकियां मुझे इतनी पसंद आने लगी कि सुबह तक मेरा फैसला तब्दील हो गया।